नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का रामलीला और जो आपका महाभारत है, आपने देखा होगा कितना अच्छा था ना। महाभारत और रामलीला में तो निष्कर्ष कुछ निकलता है लास्ट में, फिर यहाँ पर निष्कर्ष क्या है यही नहीं पता है साथियों। आज इस कदर बवाल मचा पूरे यूपीटेट 2021 के लिए। साथियों, अभी हम पेपर सोल्यूशन कराने वाले हैं, वैसे मैथ का अभी सोल्यूशन करा देंगे क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का कहना है सर मैथ का सेक्शन हम नहीं देख पाए थे और बाकी 120 प्रश्न हम कर लिए थे, हमारे पास पेपर है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे बच्चों, कल सुबह पूरा का पूरा हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू उसका पूरा पेपर आपको दे देंगे और प्लस टेलीग्राम पर भी पीडीएफ के रूप में दे देंगे, आप लोग देख लेंगे, है ना। जो डीएलएड वाले बच्चे उनके लिए कल सुबह से मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और बाकी के जो सीटेट देने वाले हैं उनके लिए भी सीडीपी का और संस्कृत का ही केवल लेक्चर बचा है बच्चों, उसको हम कल से स्टार्ट कर देंगे वो भी। और बाकी के क्लासेस बहुत सारे बच्चे तो बोल ही रहे थे कि सर आपने जो पढ़ाया उसमें से नहीं आया, हम तो ये नहीं कहते कि हमने जो पढ़ाया उसमें से नहीं आया, है ना, लेकिन बच्चों ने देखा तो बच्चों ने अपना बताया, बयान दिया, आप लोग भी देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप फॉलो करिए मुझे, अन्यथा भैया आपकी मर्जी, ठीक है प्रभु। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आज एक लड़की का फ़ोन आया बच्चों, आपने देखा ही होगा सुबह से जो हमने सारे महाभारत इस पर डाल रखे हैं, आपने देखा होगा महाभारत कैसा लगा बताना, देख लेना अगर नहीं देखे हैं तो। महाभारत पूरा यूपीटेट का ये बच्चों एक तरह से अभिमन्यु द्वारा तो चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाए थे, अभिमन्यु कह लीजिए, है ना, वो चक्रव्यूह था केवल साथियों, लेकिन ये चक्रव्यूह का बाप बच्चों, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है, पहले आपको चक्रव्यूह के जाल में फंसाया गया बच्चों कि यूपीटेट का पेपर 28 को है, ठीक है, ये तो कन्फर्म था। पहले बात बच्चों, यहाँ पर अब शगुन यह हो गया कि आपके यूपीटेट के जो एडमिट कार्ड थे वही नहीं डाउनलोड हो रहे थे, नहीं डाउनलोड हो रहे थे बच्चों, वहाँ पर अपशगुन था। सरकार अगर चाहती तो उसी जगह रोक देती भैया, कम से कम बच्चों का टाइम बर्बाद होता, बोल देती कि हम जब आपका शिक्षक भर्ती आने ही वाली नहीं है तो हम क्यों कराएं। बच्चों सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि शिक्षक भर्ती को लेकर बच्चों, क्योंकि चुनाव है 15 को उन्होंने ट्वीट के माध्यम से खुद बोला है बच्चों कि 15 जनवरी को आचार संहिता लग जाएगा। और बाकी के आपको पता है जो आपके शिक्षा अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी बच्चों, इन लोग का बैठक भी हुआ और बोला गया कि माननीय आपसे विनम्र विनती है या फिर आप यह जो बैठक कर रहे हैं, जो अभी पिछले कुछ दिनों में बैठक चल रही थी सीएम के साथ, उसमें यह बता दें कि शिक्षक भर्ती मतलब एक तरह से शिक्षा विभाग से जितने भी कार्यक्रम जुड़े हुए हैं उसको क्लियर कर दें बच्चों। लेकिन उनका क्या डिसीजन है बच्चों, क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं बच्चों। पहले तो इन्होंने यूपी टेट के लिए बहुत पाबंदियाँ लगाई, सीसीटीवी कैमरा, फलवा ढकनवा, ससुरा तुम्हारी गलिए निकलता है मुझसे, क्या बताएं बच्चों हम, है ना। इतना ढकोसला करने का क्या फ़ायदा था जब आप ही पेपर बनाते हो और आप ही रद्द करते हो बच्चों। देखो बच्चों का कमेंट आने लगा, थोड़ा सा टेलीग्राम लिंक कर देना और कमेंट का जवाब देते रहना, ठीक है बच्चों। कमेंट का जवाब मिलेगा आपका, घबराना मत, आपके सारे कमेंट का जवाब मिल रहा होगा। और बच्चों आप लोग शेयर कर जरूर कर देंगे इसको, आपसे विनती है बच्चों। सारे क्लासेस आपके दिए गए हैं, अभी हम मैथ के जो सोल्यूशन है अभी जो आए थे आज के पेपर मैथ का हम करा देते हैं। बाकी के जो सारे प्रश्न हैं बच्चों, सारे सब्जेक्ट के हैं, बहुत ही ईजी आए थे बच्चों, बहुत आसान थे, वैसे नहीं कहा जा सकता बच्चों, क्योंकि जब पेपर आउट हो गया लीक बच्चों, देखें 2011 से लेकर अगर अब तक बात करें तो पेपर तो आउट हुआ है बच्चों, कोई ऐसा ही सत्र रहा होगा शायद ही लीक ना हुआ हो पेपर, लीक तो होना जायज है बच्चों, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है हमारा। हम केवल यूपीटेट की बात नहीं करें बच्चों, ना यूपीटेट ना सीटेट, किसी की बात हम नहीं करना चाहते, चाहे आप ऑनलाइन कराओ, चाहे जितने भी सिक्योरिटी लगा लो, चाहे ब्रह्मा जी को सिक्योरिटी पुलिस बना दो बच्चों तुम लोग, तब भी पेपर लीक होगा बच्चों, क्योंकि ये बच्चे नहीं शैतान है बच्चों, क्योंकि ये हमारा जो पूरा है ना सिस्टम, इसमें लीकेज वही सिस्टम से होता है, हम आम आदमी थोड़े कर पाते हैं इसको, हम आप थोड़े कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि लीकेज वही करता है जो सरकार होता है बच्चों। पहले तो खुद पेपर बनाती है और खुद लीक करवाती है। देखिए बच्चों, आप लोग जब भी सुनते होंगे हमेशा और हमेशा यही सुनते होंगे कि शिक्षा अधिकारी की बेटे ने फला फला काम कर दिया, पेपर लीक हुआ। शिक्षा अधिकारी का खुद बेटा बैठा था या फिर शिक्षक का खुद बेटा बैठ कर पेपर दे रहा था, शिक्षक हल करवा रहे थे। सॉल्वर गैंग का जो सबसे बड़ा सॉल्वर पकड़ा गया वह खुद इतना बड़ा अधिकारी था बच्चों। मतलब कि आप ऐसा माहौल सुनते होंगे या फिर सिचुएशन सुनते होंगे जहाँ पर आपको खुद लग जाता होगा कि आम आदमी तो कर ही नहीं सकता और आम आदमी के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी बच्चों। खुद वह अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी मेहनत से पढ़ के जाता है और उसको तो उसको क्या मतलब उसको क्या ही पढ़ा है बच्चों कि वह चलेगा पेपर ढूंढने, वह तो यही सोचता रहता है कि कब एग्जाम कराए, कब हमारा ब्याह हो बच्चों, ब्याह, समझ रहे ना। आज ब्याह की बात हम इस वजह से कर ली बच्चों क्योंकि एक लड़की का कॉल आया था और उन्होंने जो कहा, वह ससुरी ऐसी बोल रही है
सर बहुत बढ़िया हुआ, वो कंफर्म करने के लिए की थी कॉल कि बताइए सर जी, मतलब कि हम हंसी नहीं रोक पाए उस समय, है ना, तुरंत उसका फ़ोन काटे पहले। फिर उसके बाद बच्चों बोल रही है कि सर जी बताइए पेपर सच में लिख हो गया? हम कहे हाँ। तो क्या हम पूछे उससे कहाँ पे हो? तो बोले सर हम शादी के मंडप से, अभी शादी के मतलब उसमें बैठे हैं। हम कि कहाँ बैठे हुए ये बताओ, तो बताइए कहाँ बैठे हैं। बोल रही है कि सर जी बहुत बढ़िया हुआ। हम कहे कहाँ बढ़िया हुआ? तो बोल रही है कि आज हमारा शादी था सर जी, इससे बढ़िया होंगे तुम्हारी शादी थी ससुरी, जो बच्चे थे कम से कम उसके बारे में सोचो, तुम अपने बारे में सोच रही हो अकेले। मतलब ये खुद हद है बच्चों, हद है। सही हुआ तो पेपर अगर लीक हुआ है तो मतलब ठीक है, सबके लिए लीक हुआ, लेकिन वो खुद बोल रही है सर पेपर अच्छा हुआ, मतलब बहुत बढ़िया हुआ, लीक हो गया सर, हम नहीं दे पाए, फिर लीक हो गया। मतलब कुछ भी बच्चों, जब पेपर लीक होता है ना, तो मतलब वैसा बच्चा भी बोलता है बच्चों जो कभी नहीं पढ़ा होता है ना, वो भी बच्चा बोलेगा कि पेपर गजब गया सर जी, गजब गया सर जी, अगर ये पेपर वाला लीक नहीं होता ना, बता रहे हैं सर जी 120 फाड़ कर रख देते हम तो। मतलब कुछ भी बच्चों, कुछ भी, है ना। तो यही है नाकाम पूरी, आप समझ सकते हैं हमारे सिस्टम को कैसे सिस्टम। बच्चों हम मैथ का थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे बच्चों कल से आपका मैराथन, चाहे CDP। देखिए बच्चों सारे सब्जेक्ट हमने पढ़ा दिए, सारे सब्जेक्ट हमने मैराथन भी दे दिए, कल केवल संस्कृत छोड़ के बच्चों, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर लें आगामी, वही सारे सब्जेक्ट हैं बच्चों, केवल एक बाल विकास जो बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कल से, और प्लस जो DLED सेकेंड सेम के या फिर फोर्थ सेम के बच्चे हैं उनके लिए मैथ का हम बात करें, तो बच्चों मैथ का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आप पढ़ सकते हैं आकर, पूरा का पूरा बच्चों मैराथन पढ़ा है। लेकिन कल से हम 3-4 क्लास लाएंगे जो कि मैथ का होगा DLED सेकेंड सेम वालों के लिए, कल से मैराथन उनका स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, 2-2 घंटे का होगा, 3 वीडियो लगाएंगे और पूरा का पूरा फॉलो कर लेंगे, निकल जाएगा। और बाकी के सीटेट के लिए बच्चों, UPTET के लिए जो पढ़ा दिया गया है बच्चों, वो पर्याप्त ही नहीं बच्चों, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है अपने आप में, वो चीज़ें बहुत ही हमने दे दिया बच्चों। आप चाहे इन्वायरमेंट सेक्शन देख लें आकर, इन्वायरमेंट इतना दे दिया गया बच्चों आपको कि सुपरटेट तक काम देगा, बस आप देख लें आकर, और अगर ना अच्छा लगे तो स्किप कर दें, हमें नहीं प्रॉब्लम बच्चों। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी तो आप रहेंगे यहाँ पे, नहीं अच्छा लगेगा फिर आपको आपके मन का नहीं होगा तो क्या क्या ही है बच्चों। फिर अगर आपको पूरा PDF चाहिए, सारे जितने हमने हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट लिए हैं बच्चों, 400-500 क्वेश्चन के बच्चों, 500 क्वेश्चन है साहित्य के, वैसे साहित्य के बच्चों उससे शायद ही बाहर इस प्रश्न में आएगा, या फिर किसी भी इंडिया लेवल की एग्जाम में इससे बाहर आएगा बच्चों। एक हम साहित्य पे महामैराथन लाएंगे जिसमें 4 या 5 घंटे का कोई वीडियो होगा, उसमें पूरा साहित्य हम कवर करेंगे बेसिक से लेकर, ना तो उसको आप देख लीजिएगा, अन्यथा आपकी तहे दिल से शुक्रिया है और हृदय तल से शुक्रिया बच्चों आपका, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस प्लेटफॉर्म को इतना प्यार देते हैं, अच्छा लगता है। और कुछ नालायक की वजह से, एक बच्चा था गौतम करके था बच्चों, किसी लड़की को गाली दे रहा था, है ना, तो बच्चे इतना समझ लेना वो लड़की नहीं थी, वो आपकी बहन थी, है ना। अगर आप उसे गाली दे रहे हो ना, तो समझ लेना अपनी बहन को गाली दे रहे हो। इतना याद रखना, इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऐसी हरकत करते हो बच्चों, तो आप कितना सोच सकते हो, सोशल मीडिया पर अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हो तो आप क्या ही हो बच्चों, आप शिक्षक बनने लायक होगे या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट पे जाने लायक होगे, वहाँ पे भी ये हरकत करोगे बच्चों, करो, लेकिन अपने घर में करो ना पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे करो। जो चीज़ें घर में करते हो यहाँ यहाँ पे करो, वो सारी चीज़ें मान्य होंगी जो आप घर में करते हो। अगर घर में गाली गलौज करते हो अपने अपनी माँ से अपनी बहन से, तो ठीक है बच्चों करो, आपका वैसे तो आप सिस्टम खुद आपको ब्लॉक कर देगा बच्चों, हम नहीं कुछ करेंगे, आपको सिस्टम YouTube खुद ब्लॉक कर देगा अगर ऐसी हरकत करते हो, या फिर कोई नंबर देते हो किसी लड़की को, नंबर देते हो या फिर कुछ भी हरकत करने की कोशिश करते हो, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा सिस्टम द्वारा, यहाँ पर कोई आपको करनेगा नहीं बच्चों। हम कुछ बच्चों का कहना था कि सर हमने सारा कवर कर लिया था, करीब करीब सब कुछ आसान आया था बच्चों, लेकिन सर मैथ का कुछ क्वेश्चन बता दीजिए हमें। हाँ बच्चों बताना चाहेंगे मैथ का, देखिए मैथ का हम कुछ क्वेश्चन, वैसे कि बच्चों मैराथन जितना लिया गया था उससे शायद ही बाहर कोई प्रश्न आया बच्चों, कोई प्रश्न उससे बाहर नहीं आया है। हम आपको जितना हो सकता है बच्चों सारे प्रश्न बताने की कोशिश करते हैं, घबराना मत, हमारे पास पेपर है, उस पेपर का हम आपका सलूशन कराते हैं बच्चों, चलिएगा कुछ प्रश्न कराते हैं हम, कुछ क्या 300 के 300 करा देते हैं जितना हमारे पास, मतलब सारे पेपर हैं। कल हम एक सेपरेट क्लास लाएंगे जिसमें कि केवल और केवल इसी के बारे में, मतलब पेपर पूरा सलूशन दे देंगे आपको, और जिसको चाहिए पेपर पूरा PDF बच्चों, तो आ जाएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा, उसमें कल दोपहर तक या फिर कल सुबह तक उसमें हम डाल देंगे, है ना बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें पूछा गया था 0.00032 के पावर बच्चों 0.6, बच्चों लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा। और एक क्वेश्चन था बच्चों यहाँ पर, यदि संख्या 5x9 और 327 बच्चों 327 और बच्चों दिया है, और करके दिया है 2y8 का योग दिया है, इन सब का योग, मतलब कि 5x9 327 2y8 का योग कितना दिया है बच्चों, हमें एक योग दिया है 4
वन और यहाँ पे 11 दिया है बच्चों। आप खुद सोचिए बच्चों, इसको सॉल्व करना, x और y की वैल्यू बताना है, ये पूछा है ना। x तब x का महत्तम संभव मान होगा, मतलब x का बड़ा से बड़ा मान बच्चों। इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन नंबर ए दिया था इसमें 9, ऑप्शन नंबर बी दिया है इसमें 8, ऑप्शन नंबर सी दिया है इसमें 7, ऑप्शन नंबर डी दिया बच्चों इसमें 6। बच्चों एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करिएगा। यह पहला क्वेश्चन था या दूसरा है बच्चों, एक और प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे फटाफट, हमको आंसर बताएंगे। बढ़िया प्रश्न था ये, नंबर सिस्टम का था, हमने बहुत बार इसका कराया है बच्चों। बताइएगा, उतना अच्छा नहीं था लेकिन कह सकते हैं कि जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा बेसिक वो इसको गलत कर सकता है। 4 के पावर में 61 प्लस 4 के पावर में 62 प्लस 4 के पावर में 63 बच्चों, 4 के पावर में 63 प्लस में 4 के पावर में 64, 4 के पावर में 64 प्लस में बच्चों 4 के पावर में 65 यानी कि 65। इसमें बताना था, ऑप्शन दिया था बच्चों आपको, बोला था किससे यह भाज्य होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया था बच्चों आपको 3, ऑप्शन नंबर बी दिया था आपको 11, ऑप्शन नंबर सी दिया था आपको 17 और ऑप्शन नंबर डी दिया था बच्चों आपको 19। बच्चों इसमें साफ साफ दिख रहा है हमको 17 इसका राइट आंसर है बच्चों। कैसे देखिएगा, 4 की पावर 61, 4 की पावर 61, 4 की पावर 61, 4 की पावर 61, 4 की पावर 61। सर पगला गया होगा, 4 की पावर 61 कैसे आपको सब दिख रहा है बच्चों। सब में 4 की पावर 61 छुपा हुआ है, देखते देखिए आप खुद, 4 की पावर 61 इसमें छुपा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 4 की पावर 61 छुपा हुआ है। अगर 4 की पावर 61 आप कॉमन कर लेते हैं बच्चों, 4 की पावर अगर 61 आप कॉमन कर लेते हैं, देखिए 61 हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 की पावर में 1 मतलब 4 बचेगा बच्चों, 4। यहाँ पे 4 की पावर 2 यानी 4 चौके 16 बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, 16 बचेगा। यहाँ पे 4 की पावर 3 बचेगा क्योंकि आपने 61 निकाल लिया ना, तो 61 + 3 ही तो 64 होते हैं, तो 4 की पावर 61 आपने निकाल लिया तो बच्चा 4 की पावर 3 यानी 4 चौके 16 चौका 64 बच्चों, कितना बचा, 64 बचेगा बच्चों। देख लीजिए, 4 यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 4 की पावर 1 मतलब कि 4 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 2 मतलब 1 मिनट बच्चों, हो सकता है इसका आंसर यह ना हो, हो सकता है कि यह आंसर ना हो, इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। 1, 4 और 4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौके 16 चौका 64 बच्चों, 4 चौके 16 चौका 64 और 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 मतलब बच्चों 64 के गुणा कर लीजिए 4 से, 4 चौके 16 को 6 में 1, 4 6 24 से 25 बच्चों 256। अब 256 है, इन सबको ऐड कर लीजिए बच्चों, 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20 से 21 को 1 करी आया बच्चों, 2 करी आया, 2 6 4 10, 6 16, 16 4 20 से 21 को 1 करी 2 बच्चों, 5 2 7, 7 3 10 3 13, 13 1 14 को 4 कैरी, 4 कैरी 1 आ गया फिर से। अब बच्चों यहाँ पर 2 है ना, ये तो हो गया हमारा 2 1 3 बच्चों, 3 आ गया। अब इसको काट लीजिए, देखिए अब हमारा क्या नंबर रह गया, पूरा ऐड करने पे 341 गुणे 4 की पावर में 61 आ गया। अब 341 देखिए किससे कट रहा है बच्चों, 11 से कटेगा, काट लीजिए 11 3 33, 1 बचा 11 1 कम 11 बच्चों 31 बार में, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना ये 11 से कट जाएगा, राइट आंसर आपका 11 होगा बच्चों, समझाया। ये एक प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, बहुत लाजवाब लाजवाब प्रश्न थे बच्चों, ऐसे प्रश्न थे, ये हार्ड में है, ये तीनों प्रश्न जो हमने लिखे हैं ना ये हार्ड में है, इससे बहुत इजी प्रश्न आए हुए हैं। अगर जो बच्चा मैराथन देखा होगा मैथ का ना, 2 मैराथन हमने लगाए थे बच्चों, 300 प्रश्नों का, 300 के ऊपर ही प्रश्न अगर पूरा मिला लें छोटा मोटा जोड़ जाड़ के, तो सब मिलाकर बच्चों 400 प्रश्न का हमने बेसिक आपको क्लास दिया है 2 मैराथन। वैसे बेसिक मैथ भी हमने पढ़ा रखा है, हर एक सब्जेक्ट मतलब हर एक टॉपिक पे बच्चों बेसिक मैथ गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको एनवायरमेंट पढ़ना है बच्चों बेसिक से बिल्कुल, तो चैनल पे पढ़ा हुआ है बच्चों बेसिक से। अगर आपको CDP पढ़ना है बच्चों तो भी पढ़ा है, वैसे कल से या परसों से बच्चों CDP का जो आपका लेक्चर है वो हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप CTET का ही तो भरोसा है बच्चों। अगर मान लीजिए बाय द वे, क्योंकि बच्चों शिक्षक भर्ती शायद ही हमको नहीं लगता है, हमको नहीं लगता बच्चों की शिक्षक भर्ती, देखिए हमको क्या वो किसी को नहीं, यार रवैया जो सरकार की बच्चों इससे बहुत परेशान है, बहुत तंग है हम लोग, यंग जो है ना बच्चों बहुत तंग है, और यह यंग को खोखला कर देता है अंदर से बच्चों, यह जीने लायक छोड़ेगा नहीं, समझ रहे हो ना। जब बढ़ोतरी आ जाएगी डंडा लेके चलोगे बच्चों तब नौकरी लगेगी, तो इससे क्या फ़ायदा बच्चों, कुछ फ़ायदा है बताओ। मान लो आपको लगी जाता बच्चों तो आपका क्या क्या ही हो जाएगा बच्चों, जो हमारा जीवन है आधा तो पढ़ने में नष्ट हो जाता है। और सरकार के ऐसे रवैये की वजह से बच्चों को बहुत दिल दुखता है बच्चों। आज कितने बच्चियाँ रो रही थी, आप अगर नहीं देखें बच्चों तो देख लेना, ज़रूर देख लेना, सारा का सारा हमने जो रिव्यू लिया है बच्चों, बच्चों का बच्चों की हालत कैसी थी आप देख सकते हैं, और बच्चे भड़क गए थे पूरे, और होना भी चाहिए, अगर नाकामी है सरकार की तो ऐसा क्यों कर रही है आखिर बच्चों। हम आपको कहेंगे यही कि अपना सरकार उसे सुनिएगा जो जो आपके लिए सोचे बच्चों, हमको देश हित के बारे में तो सोचना है ही खैर, लेकिन अपने देश के बारे में सोचो, विदेश के बारे में, तुम देश के सारे सिस्टम के बारे में सोचते हो लेकिन अपने देश के बारे में क्यों नहीं सोचते हो बच्चों, देश का भविष्य जो है उसके बारे में सोचो बच्चों। आपको आपके ऊपर है, लोकतंत्र है हमारा, आपके ऊपर है कि आप किसे अपना
अपना प्रधान बनाते हो, ठीक है ना, मुखिया कैसे बनाते हो बच्चों, है ना, समझ सकते हो ना बच्चों, आपके रवैये पर डिपेंड करेगा। चलिए बच्चों इसको देखिएगा, 1 2 3 4 5 बच्चों, तो 5 है तो 32 को लिखिए, नीचे 5 जीरो चिपका दीजिए, 1 2 3 4 5 बच्चों, 3 2 5 बच्चों, ऊपर 0.6 है बच्चों, 6/10 लिख सकते हैं आप, पावर में है बच्चों, 32 का मतलब 2 की पावर 5 और 10 की पावर 5 का मतलब 10 के आगे 4 जीरो बच्चों, 2 की पावर 2/10 की पावर में आप सीधा सीधा 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 6/10 है ही, तो 5 कम 5 दूनी 10 बच्चों, 2 3 6 इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 2 6 2 8 बच्चों, और यहाँ पे 10 का 1000 बच्चों, इसका मतलब बच्चों आपका जो आंसर आएगा 0.008, यही राइट आंसर होगा। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों इसमें दिया है दूसरा आपका राइट आंसर बच्चों। इसको देखते हैं, यह थोड़ा सा अच्छा प्रश्न बच्चों, देखिए 5 3 8 2 10 मतलब कि बच्चों यहाँ पे एक कैरी होने वाला है, यहाँ पे एक कैरी होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं 9 1 10 9 1 10 10 6 16 या फिर ऐसे जोड़ लीजिए इसको 8, इसको इसमें से एक इसको दे दीजिए, तीनों 8 हो जाएगा, 8 3 24 बच्चों, 8 3 24 को 4 4 आ गया, यहाँ पे कैरी 2 आया है ना, कैरी 2 आ गया यहाँ पर, बस अब खेला है बच्चों, खेला हो गया। अब देखना 2 2 4 2 2 4 अब इसमें पूछा क्या है बच्चों आपसे, इस प्रश्न में पूछा है कि यक्ष का महत्तम संभव मान बताइए, महत्तम बड़ा से बड़ा संभव मान बच्चों, अगर हम महत्तम पूछा है, यक्स की वैल्यू कुछ भी रख दे बड़ा से बड़ा, यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी हमें, वाई की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा बच्चों। देखना 2 2 4 4 में क्या जोड़ें कि 11 आ जाए बच्चों, देखिए 2 तो कैरी है मतलब 11 लाने के लिए या फिर 21 लाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों, जाहिर सी बात है 2 2 4 4 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 7 3 10 11 बच्चों, 7 आपका राइट आंसर होगा, 7 7 3 10 11 कैरी 1 बच्चों बचेगा, तो 5 1 6 6 3 9 2 11 बच्चों राइट आंसर आपका, यक्स की वैल्यू क्या होगा, महत्तम वैल्यू 7 होगा बच्चों। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान प्रश्न था बच्चों, समझाने में थोड़ा सा वक्त बच्चों, एक और प्रश्न करिएगा मैथ का अभी 300 के 300 करा देते हैं हम, कल बच्चों आपको पूरा का पूरा सलूशन मिल जाएगा, वैसे यह सेशन जो होता है बच्चों के डाउट क्लास होते हैं, घबराइए मत बच्चों, जो DLED 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, उनका पेपर बहुत जल्द होगा बच्चों, बहुत जल्द, कल ये कुछ लोग के लिए अच्छा भी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मतलब कि हम अगर ये करें, हमारे IPC में बच्चों एक धारा है ना, कुछ लोगों को बचाने के लिए, 1000 की जनसंख्या को बचाने के लिए अगर 1 लोग का कत्ल कर दिया जाए ना, तो कोई कत्ल कातिल नहीं कहलाएगा बच्चों, क्योंकि वो 1000 को बचाया है ना, बचाया बच्चों से। तो इस तरह की बातें आप ना सोचें और अपने काम पर ध्यान दें, वो सब तो होता चलेगा बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होता है बच्चों, जो इतने चीज़ों को आप बियर कर पाते हो, सह पाते हो, क्योंकि अत्याचार सरकार की तरफ से ही नहीं बच्चों, समाज की तरफ से ही भी होती है बच्चों को, बच्चों पे, बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, नौकरी जब नहीं पाते हैं तो ताना बाना बहुत सारे सहने पड़ते हैं, है ना बच्चों, बच्चियों को तो और बहुत सारे दिक्कत प्रॉब्लम्स आते होंगे कि माँ बाप लेकर उसे परेशान रहते हैं कि बच्चे की शादी करनी बच्चों, लेकिन याद रखना अपने मुकाम पे अटल रहना, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी ताना बाना दे बच्चों, अपने मुकाम जो आपको पाना है, हासिल करना है ना, उसको मत छोड़ना, ये सरकार तो निकम्मी है बच्चों, आज है कल नहीं रहेगी, और इसको बदलने के लिए, इसको बनाने के लिए सिर्फ हम जिम्मेदार होते हैं, और कोई नहीं जिम्मेदार होता बच्चों, ये सारा सिस्टम ना, ये सब सिस्टम नहीं है बच्चों, एक तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ है, खिलवाड़ खेला बच्चों, खेला है खेला बच्चों। इसको सॉल्व करिएगा, अच्छा प्रश्न है, 2 संख्याओं का लस और मस का गुणनफल दिया बच्चों, लस यानी कि LCM और HCF का, ये भी प्रश्न आया था मैथ बच्चों, HCF का गुणनफल दिया बच्चों, 336 दिया है, हिंदी वगैरह के प्रश्न बहुत ही आसान आए थे, बच्चे थे मतलब कि बच्चों के पास 1.5 घंटे बचे थे, जिससे जिससे हमने बात किया उनके पास 1.5 घंटे बचे थे केवल मैथ के लिए, हमने जो प्रोग्राम बनाया था तुक्का कैसे लगाते हैं, बहुतों ने बोला सर वो हमने फॉलो किया और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बच्चों, जैसे लेकिन मैथ पे कूदे वैसे पता चला हड़कंप मच गया साला पूरा, समझ रहे बच्चों। इसको सॉल्व करिएगा बच्चों, LCM HCF का जो वैल्यू दिया है 336 दिया है, और LCM और HCF बच्चों दो और उनके बीच का अंतर, हाँ LCM और HCF के बीच का अंतर जो दिया है बच्चों ना, HCF के बीच का अंतर दिया है, अच्छा नहीं सॉरी बच्चों, 2 संख्याओं के बीच का अंतर दिया है, 2 संख्या के बीच का अंतर दिया है बच्चों, कितना दिया है 10 दिया है, तो वह संख्या पूछ रहा है क्या होगा बच्चों, इसको ऑप्शन से करेंगे हम, किससे करेंगे बच्चों, ऑप्शन से, वैसे हमने ये प्रश्न बता रखा है आपको, मैराथन वाला क्लास देख लेंगे, 2-2 घंटे का है 2 क्लास, बहुत मजा आ जाएगा बच्चों, अभी भी CTET का एग्जाम करना है बच्चों ना, देना है ना, तो सारे क्लासेस जरूर देख लेना, बेसिक से देख लेना, उसे एक बार रिवीजन कर लेना, भले एक बार आप रिवीजन कर लिए हो फिर से कर लेना बच्चों, शायद ही उससे बाहर कोई प्रश्न आए, शायद बच्चों, शायद 3 दिया है ऑप्शन, एक मिनट बच्चों, 10 और 20 दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 10 और 20 बच्चों, बी ऑप्शन दिया है बच्चों, घबराना मत, ये पेपर आपको हम
दे देंगे, आपको पूरा समर्पित कर देंगे बच्चों ये पेपर, है ना। जो बच्चे दिए हैं एग्जाम उनको भी पता होगा कि हाँ एग्जाम में आया था कि नहीं आया था ऐसा प्रश्न, बच्चों जिन्होंने वहाँ तक पहुँचा था मैथ तक, मैथ सेक्शन तक, या फिर जिनका मैथ ही टारगेट था अच्छा प्रश्नों के साथ, जिनका मैथ स्ट्रांग हो केवल मैथ ही किए होंगे, केवल मतलब कि स्टार्टिंग मैथ से ही किए होंगे बच्चों, ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि 10 और 20 का अंतर तो बच्चों हमको दिख रहा है, क्या होगा 10 होगा, ये तो बात फॉलो कर रहा है, लेकिन बच्चों ये नहीं फॉलो करेगा, देखना 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 0 नहीं, वहाँ पर 6 दिया है ना, तो इसका मतलब ये गलत है बच्चों, ये भी बच्चों कैसे गलत हो जाएगा, हम आपको आंसर बताते हैं बच्चों आपका 14 24 बच्चों यही राइट आंसर है हमारा, देखना कैसे 14 और 24 है ना, 14 और 24 बच्चों इसका अगर हम डिफरेंस निकालें मतलब म से निकालें बच्चों, इसका देखना बच्चों 7 × 2 होगा और इसका देखना बच्चों 8 × 3 = 24 यानी कि 2 × 12 = 24 बच्चों 2 होगा बच्चों, इन दोनों का म से अगर देखेंगे तो 2 आएगा, HCF बच्चों कितना आया, HCF कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, लेकिन LCM देखेंगे बच्चों, ल से प देखेंगे तो 12 × 24 और 7 बच्चों, LCM कितना आएगा 24 × 7 यानी कि बच्चों 7 × 28 क्या 8 कैरी 2 आ गया और 7 × 14 = 16 बच्चों 14 × 2 = 16 बच्चों, अब यही तो दिया है हमको कि हमारा LCM और HCF का मल्टीपल 336 आना चाहिए, कर लीजिए गुणा, 2 ही HCF है ना, तो 2 × 8 = 16 = 6 कैरी 1 बच्चा 2 × 6 = 12 13 × 3 कैरी 1 × 2 = 2 बच्चों 336 आ गया ना, तो आपका राइट आंसर यही है मतलब कि 14 और 24 बच्चों। अब अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न आपको दिखाते हैं, रेंडमली है बच्चों, घबराना मत, हम आपको करा रहे हैं बच्चों 13 अच्छा यह तो संस्कृत वाला खुल गया, मैथ वाला कहाँ गया, और बच्चों देखिए रैंडमली इधर उधर है थोड़ा सा, हम करा रहे हैं घबराना मत बच्चों, देखिए हम उस पर कराते हैं बच्चों जो आया था आपका मेंसुरेशन पर, ध्यान दीजिएगा है ना, और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग जुड़े हैं और लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों, क्योंकि आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है सेशन। एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल कितना दिया बच्चों, एक वृत्त है देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक वृत्त है बच्चों, इसमें 120 डिग्री के खंड का मान लेते बच्चों, यह पूरा का पूरा 60 है, यह मतलब कि मान लेते यह पूरा का पूरा मान लेते हैं 120 है बच्चों, क्योंकि पूरा 360 होता है ना, यह मान लेते हैं 120 है बच्चों, क्योंकि 120 × 4 करिए तो 120 × 3 करिए बच्चों, 3 × 12 = 36 360 होगा, मतलब यह वाला कितना बचेगा बच्चों 240 बचेगा, यह 120 है अंदर का, जोड़ लेंगे तो 360 आ जाएगा है ना। ये बोल रहा है कि एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल, एक वृत्त में बच्चों ऐसे प्रश्न हमने बहुत कराए हैं, बहुत कराए हैं, आपको बता दें बच्चों जो बच्चे बेसिक क्लास देखे होंगे वो इसको उड़ा दिए होंगे, उड़ाए तो देते बच्चों जब मौका मिलता तो, लेकिन आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको। एक वृत्त में आसान नहीं है बच्चों ये प्रश्न, एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, तो वृत्त का व्यास बताइए, तो वृत्त का बच्चों आसान प्रश्न उनके लिए है जो प्रश्न किए होंगे बच्चों, उनके लिए नहीं, वृत्त का व्यास बताना है, व्यास बताना बच्चों क्या होगा, यानी कि डी बताना है, डी बराबर बच्चों d/2 = r होता है बच्चों, अगर r निकाल लेंगे तो d में मतलब अगर r निकल जाएगा तो r में 2 का गुणा कर देंगे तो बच्चों d आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन भी ले लीजिए, ऑप्शन दिया था बच्चों 3 सेंटीमीटर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया है बच्चों 3.6, ऑप्शन सी दिया है बच्चों कितना 2.5 और ऑप्शन डी दिया है बच्चों कितना 6 सेंटीमीटर बच्चों, है ना। चलिए देखिएगा बच्चों इसको करिए फटाफट, फिर इसके एक प्रश्न और लिखते हैं हम, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को लिखिएगा बच्चों, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कितना बच्चा 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा, बच्चों शेयर जरूर करना इसे, है ना। देखना एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड के जो क्षेत्रफल है बच्चों, इसका ऑप्शन ले लीजिए, अच्छा इस प्रश्न का ऑप्शन ले लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि सर ऑप्शन नहीं दिए, 3 गुना ऑप्शन नंबर 2 दिया है बच्चों 4 गुना, ऑप्शन नंबर 3 दिया है बच्चों कितना उतना ही, मतलब सेम ही रहेगा उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 दिया है बच्चों 8 गुना। देखना बच्चों हमने आपको बताया था केवल वृत्त का क्षेत्रफल आप याद रख लो, कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है, और यह पाई आर स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होता है 360 डिग्री के कोण के बराबर होता है, 360 डिग्री के कोण के बराबर होता है बच्चों। अगर हम बोले 120 डिग्री का इसका क्षेत्रफल कितना होगा, केवल इसका क्षेत्रफल जो हमें दिया है, बोला है ना 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 दिया है बच्चों, तो बच्चों 66/7 दिया है यह केवल 120 डिग्री वाले का, तो यानी कि 120/360 की जो वैल्यू दिया है हमें वह 66/7 दिया बच्चों, बस हो गया हमारा सॉल्व हो गया मामला, 0 0 से गया 12 के बाद 24 36 बच्चों 3 आ गया,
अब पाई की वैल्यू आपको दिया बच्चों, एक बटे तीन नीचे बचा है, तीन उधर भेज दीजिए, 22/7 बच्चों इधर बचेगा आर का स्क्वायर, और यहाँ पे जो तीन है बच्चों उधर भेज दीजिए, 66 × 3/7 बच्चों, 22 × 1 = 22 बच्चों, अब देखिए 7 से गया बच्चों, 3 × 9 यानी आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 9 आ गया। अब आर की वैल्यू पूछा है, आर की वैल्यू बच्चों 3 है। अब आप बच्चे आर देखेंगे लगा के मार देंगे बच्चों ए ऑप्शन, क्योंकि बच्चों इसमें डी पूछा है, व्यास पूछा है, तो 3 × 2 = 6 बच्चों आपका राइट आंसर डी होगा। इस तरह से लगाते हैं इसे, ऐसे लगता है प्रश्न, ठीक है बच्चों, आसान है, आसान था। और चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग फटाफट, एक और लिखते हैं हम यहाँ पर बच्चों। ऐसे ही प्रश्न आए थे, देखिए ये सब हार्ड लेवल के बच्चों, हम इजी वाले नहीं कराएंगे बच्चों, ये हार्ड लेवल के प्रश्न है, मतलब कि ये इतना ही हार्ड आता है यूपीटेट में, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, और ना ही सीटेट में बच्चों, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। देखिएगा एक और प्रश्न करिएगा बच्चों, विनय एक घड़ी 75 रुपये में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी की लागत मूल्य, बच्चों ये आसान प्रश्न है, आप लोग कर सकते हैं, बस प्रश्न हम लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए, ये आसान प्रश्न है बच्चों, ये बहुत आसान प्रश्न है। विनय एक घड़ी 75 रुपये बच्चों, कितने 75 रुपये में बेचता है, 75 रुपये में बेचता है, विनय एक घड़ी को 75 रुपये में बेच देता है बच्चों ना, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है, तो घड़ी की लागत मूल्य बच्चों इसमें देखिएगा ध्यान से, बहुत ट्रिक है, हम इसको ऑप्शन से खेल जाएंगे, तो घड़ी की लागत मूल्य बताइए बच्चों। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है बच्चों, आप खुद टिक करोगे, ऑप्शन ए नंबर 150 दिया है, ऑप्शन बी दिया है बच्चों 175 दिया है बच्चों, और ऑप्शन सी दिया है 60, और ऑप्शन डी दिया है बच्चों आपको 50। देखना बच्चों क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझकर सॉल्व करिए। 75 रुपये वो बेचने वाला मूल्य बच्चों, यानी कि सीपी है, एक मिनट बच्चों, ये एसपी है, कास्ट सेलिंग प्राइस इसका है, सेलिंग प्राइस है बच्चों, ये बोल रहा है कि जिससे उसकी उसे घड़ी का लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। अगर हम मान लेते हैं इस ऑप्शन में लागत कीमत 60 है, लागत कीमत कितना बच्चों 60 है, तो लागत कीमत मतलब कि अगर मान ले बच्चों हम कि यह हमारा एसपी दिया है, कितना एसपी दिया है 75, और सीपी हमने मान लिया ऑप्शन से 60 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बच्चों वही तो लाभ होगा, क्योंकि एसपी ज़्यादा होना चाहिए ना, एसपी ज़्यादा है बच्चों, या देखिए एसपी ज़्यादा है बच्चों, एसपी क्या कम हो सकता है बताना, देखना ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारा एसपी है, तो क्या इससे ज़्यादा, क्योंकि लाभ हो रहा है यहाँ पे बच्चों ना, लाभ हो रहा है ना, तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे कट करोगे कैसे, क्यों सर, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जब लाभ हो रहा है तो एसपी से ज़्यादा सीपी कैसे हो सकता है, एसपी से ज़्यादा सीपी हो सकता है क्या बताना बच्चों, कास्ट प्राइस ज़्यादा हो सकता है सीपी, नहीं बच्चों, तो यह दोनों गलत होगा ऑप्शन, इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा, पहले तो दो एलिमिनेट कर दिए आपने, फिर इसके बाद दोनों का निकाल दीजिए बच्चों, देखिए इसका डिफरेंस कितना है 15 है, 15% ही लाभ है बच्चों, 15% ही लाभ है, 15 अंतर है बच्चों, 15% लाभ नहीं है, लाभ देखिए कितना आता है, सीपी कितना है 60 × 100 कर दीजिए, 100 करिए, देखिए कितना आ रहा है बच्चों, काटिए 0 0 से गया, 2 3 6, 2 5 10, 3 5 15, 5 5 25 बच्चों, यह तो नहीं आया आंसर, आगे देख लेते हैं, 50 मतलब कि 60% आना चाहिए हमारा, 60% आना चाहिए, 50 है बच्चों, यहाँ 50 दिया है ना, तो 25 के अगर हम 50 लेते हैं सीपी को, 50 लेते हैं सीपी को, तो नीचे 50 × 100 बच्चों, 100 50 × 100 बच्चों आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, देख लो परसेंटेज जो लाभ है बच्चों अभी 50% आ गया, मतलब कि 50 हमारा राइट आंसर बच्चों क्या होगा, 50 होगा, 50 बच्चों, 50 होगा, ऐसे लगाते हैं प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न होते हैं जिसको हम एलिमिनेट कर दिए बच्चों, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं टिक करना है हमें बच्चों, हमें केवल 50 पे टिक लगाना है, ऐसे प्रश्न सॉल्व, इसको देखिएगा, यदि किसी वर्ग का विकर्ण बच्चों, वर्ग पहले बना लेते हैं, ऐसे किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए बच्चों, वर्ग का विकर्ण क्या होता है हमने बताया था, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, बच्चों जब सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो बच्चों यह कितना होता है, √2 × a होता है, यह विकर्ण होता है, यानी कि a × √2 बच्चों विकर्ण हो गया। अब क्या बोला बच्चों, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए बच्चों, हाँ दोगुना कर दिए, अब बोल क्या रहा है आगे, दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा बच्चों, देखिए जब हम किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिए, वर्ग के विकर्ण को दोगुना किया बच्चों, यानी कि अगर हमारा ए है, भुजा ए है बच्चों, अगर हमने भुजा ए इसको दोगुना कर दिया, यानी कि 2a × √2 यह कर दिया बच्चों, यह कर दिया 2 × √2 कर दिया, यहाँ पर ए है, और जो √2 है √2 तो रहेगा बच्चों, यानी कि 2a, a में क्या हुआ,
ए में क्या हुआ बच्चों, बढ़ोतरी आ गया, यानी कि 2a यहां पे होना चाहिए, 2a यहां पे, 2a यहां पे, 2a यहां पे होना चाहिए बच्चों। तभी तो जब आपने दोगुना किया विकर्ण को, विकर्ण को दोगुना किया, विकर्ण का मतलब क्या, सेंटीमीटर या फिर मीटर बच्चों, यूनिट, यूनिट एक यूनिट। अगर यहां पर एरिया बोला होता, एरिया को दोगुना कर दिए बच्चों, तब पूछा होता कि हमारा भुजा कितना रहा या फिर भुजा कितना गुना कम हो गया बढ़ गया, तब वहां पे दिक्कत आता बच्चों। लेकिन जो विकर्ण है हमारा, विकर्ण मतलब एक यूनिट, उसको भी सेंटीमीटर में ही बोलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं बोलेंगे ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर मान लीजिए विकर्ण हमारा चार है, तो चार सेंटीमीटर बोलेंगे आप, चार सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोलेंगे। विकर्ण यानी कि एक यूनिट की बात करता है बच्चों। जब एक यूनिट में चार का गुणा किया जाता है तो हमारा भुजा भी चार का गुणा होगा बच्चों। जब एक यूनिट मतलब कि देखिए क्षेत्रफल होगा, अच्छा क्षेत्रफल पूछा बच्चों, मतलब यह हमारा क्या हो गया बच्चों, चार, मतलब अगर ये हमारा विकर्ण में चार का गुणा होगा तो हमारा भुजा में भी चार का गुणा होगा। इसी प्रकार से जब विकर्ण में दो का गुणा हुआ तो भुजा में कितना होगा बच्चों, दो का गुणा हो गया। अब दो का गुणा हो गया तो पहले हमारा क्षेत्रफल था, पहले ए ए था यानी ए स्क्वायर था बच्चों, अब कितना हो गया, जब डबल हुआ तो क्षेत्रफल कितना होगा, चार ए का स्क्वायर बच्चों, यानी कि कितना गुणा हो गया, पहले से क्षेत्रफल कितना गुणा हो गया बच्चों, चार गुणा हो गया। कितना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, चार गुना बच्चों। राइट आंसर आपका बी होगा। इस तरह से लगाते हैं प्रश्न को, देखिए प्रश्न में दम नहीं होता है बच्चों, बस हमको थोड़ा सा बताना है और एक्सप्लेन करना है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है वरना प्रश्न तो आप उड़ा दोगे। अच्छा और प्रश्न देखते हैं। हाँ बच्चों इस सेक्शन में इतना ही था, हाँ देख रहे हैं बच्चों, घबराना मत बच्चों, लास्ट तक बने रहना, सारे प्रश्नों का सलूशन हम देंगे आपको जितने हमारे पास इसमें मिल जा रहे हैं, क्योंकि ढूंढना पड़ रहा है, रेंडमली आया हुआ है ना मेरे पास पेपर। हाँ बच्चों देखिएगा, बहुत आसान आसान प्रश्न आ गए फिर से बच्चों। अभी तक कितने कर लिए, 10-12 कर लिए प्रश्न हमने, थोड़ा तेजी लाते हैं अपने में ना बच्चों। मैथ के जो क्वेश्चन आए हैं काफ़ी इजी हैं, घबराने वाली बात नहीं, वैसे कल सारे के सारे हम करा देंगे, वैसे बच्चों ने कर ली भी लिया होगा। देखिए कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है वह संख्या बच्चों, बहुत इजी बच्चों प्रश्न है। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, 60 अधिक है वह संख्या होगी बच्चों। उसके लिए ऑप्शन देते हैं, वह संख्या होगी बच्चों, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वह संख्या होगी बच्चों 20% से 60 अधिक है अपने से, मतलब वह संख्या अपने 20% से 60 अधिक है बच्चों, अपने 20% मान लेते हैं वह संख्या बच्चों 20% से 60 अधिक है बच्चों, 60 अधिक है यानी कि 60 इसमें जोड़ दीजिए, वह संख्या की बात कर रहा है ना, वह संख्या अपने इसके 20% से बच्चों 20% से 60 अधिक है बच्चों, ऐसे किया गया है 60 अधिक है, 60 वो संख्या होगी बच्चों। निकाल दीजिए 20-25-100 बच्चों, 20-25-100 यहाँ पे कितना बचा, x बटे पाँच बच्चों बराबर 60 हो गया, बराबर 60 हो गया, तो 5x माइनस x यानी कि 4x, 4x बटे 5 बच्चों बराबर 60 हो गया, काट लीजिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पचे 20 बच्चों, 15 पचे कितना हो जाएगा बच्चों, 15 पचे 75 बच्चों, 5 धाम 50, 5 पचे 25 75 आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसका, 75 आपका राइट आंसर होगा, इसमें कुछ नहीं था। आगे देखिएगा संख्या बच्चों बताइएगा, संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, आप खुद बता दोगे इसको, आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप बताएंगे बच्चों। हमने करा रखा है 12 वीडियो 12 लेक्चर है बच्चों, 12 लेक्चर है केवल और केवल नंबर सिस्टम पर, हर एक चीज आपको मन, मतलब यह प्रश्न बच्चों वायरल है एक तरह, समझिए ऐसे ऐसे प्रश्न हमने करा रखे हैं, मैराथन में भी लिए थे बच्चों, आपने किया होगा तो शायद ही बोले आप भी ऐसे प्रश्न आपने नहीं कराया सर, कराए हैं बच्चों आप लोग देखे होंगे तो ना 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है, 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है, यह पूछा गया है प्राकृतिक संख्या है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है बच्चों 3070, ऑप्शन नंबर बी दिया है बच्चों 3060 बच्चों। एक घंटा पर्याप्त होता है मैथ के लिए यार, जब लास्ट में आपने 2 घंटे 30 मिनट मतलब 1 घंटे 30 मिनट आपने व्यतीत कर दिया सारे प्रश्नों पे, तो 1 घंटा मतलब क्या रामबाण बच्चों, मैथ को फोड़ दोगे। सी मतलब 3077 बच्चों, यह मैथ जो है ना मात्र 15 मिनट का मैथ था पूरा का, अगर मान लीजिए ज़्यादा 20 मिनट का था, उससे ज़्यादा नहीं था बच्चों यह सारा का सारा खेल। डी देखिएगा 3068 बच्चों, यह आपके लिए छोड़ते हैं, देखिए क्या पूछा है, संख्या
3070 के सर्वाधिक निकट, इसके सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। इसके सर्वाधिक निकट बच्चों कौन सा है? 3070 है। इसे पहले 7-17 से काट लेंगे, काट कर चेक नहीं कर सकते यार, बताइएगा। अब इसके बाद बच्चों यह अगर नहीं है तो मतलब क्या, यह नहीं है बच्चों, यह भी तो हो सकता है यह हो जाए सर्वाधिक, मतलब सब के सब बच्चों आप काट के देख लेना, इसी दोनों में से कोई एक मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं, प्रश्न का स्क्रीनशॉट या फिर किसी तरह आप ले लीजिए, वरना पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम करंट है, नीचे पिन है, आप ज्वाइन कर लेंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि पर, बताओ बच्चों ऐसा नहीं कराए थे हम, क्यों नहीं कराए थे बच्चों, क्यों कैसे बोल सकते हो आप नहीं कराए थे बच्चों, यही सेम टू सेम प्रश्न कराया था हमने, आप देख सकते हो मैराथन में। क्रय मूल्य बच्चों सीपी की बात कर रहा है और विक्रय मूल्य यानी एसपी की बात कर रहा है बच्चों, एसपी का अनुपात दिया बच्चों 5:4 दिया है, आपसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत है, बच्चों जाहिर सी बात है हानि तो होना तय है, क्योंकि जब सीपी ज्यादा है बच्चों, जब आप क्रय मूल्य आपका 5 रुपए है, आप किसी चीज को घाटे में बेचोगे तो हानि तो जाहिर सी बात है बच्चों, हानि तो निश्चित है। एसपी कितना है? 4 है, तो हमेशा हम सीपी पे कोई हानि हो चाहे लाभ हो काउंट करते हैं, दोनों का डिफरेंस बच्चों 1 है, तो 1/ सीपी कितना बच्चों 5×100 कर देंगे, 5×2 10 यानी कि बच्चों 20% आपका जो होगा हानि हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है बच्चों। यदि किसी घन का विकर्ण यह प्रश्न हमने नहीं कराया था बच्चों, लेकिन आसान है, सारे 3D हमने बता रखे थे, लेकिन शायद घन और घनाभ नहीं बताया था ना, घन और घनाभ। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, 8√3 सेंटीमीटर है बच्चों, सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, आसान प्रश्न था, करिए फटाफट से। हम आगे एक प्रश्न और लिखते हैं, करिएगा फटाफट करके रिस्पॉन्स दीजिए आप लोगों ने बच्चा। चलिएगा हम और प्रश्न ढूंढ लेते हैं, ये तो संस्कृत का आ गया। हाँ बच्चों केला वाला आया था एक, 10 रुपए दर्जन की दर से केले खरीद का 12 रुपए के 10 केले, एक मिनट प्रश्न सुनिएगा पहले, 10 रुपए दर्जन की दर से केले खरीद का 12 रुपए के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ बच्चों इसमें 44% हो जाएगा, साफ साफ इसको हम बताने की कष्ट नहीं करेंगे, है ना। अगला प्रश्न देखना, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वह संख्या बच्चों, इसमें भी डायरेक्ट आंसर बता दें हम, 140 बच्चों देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 30% बच्चों उस संख्या के तीन चौथाई से 63 कम है तो वह संख्या बता दीजिए बच्चों, वह संख्या क्या होगी बच्चों, देख लीजिए जो डीएलएड वाले या फिर बीएड वाले बच्चे हैं उनके लिए कितना आसान प्रश्न, ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो आप डीएलएड में लगा चुके हो, डीएलएड वाले बच्चे तो पढ़ रहे होंगे, ऐसे जो सेकेंड सेमेस्टर के फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं जो पेपर देने वाले हैं 93 बच्चों, देखिएगा। यदि किसी संख्या का 30% बच्चों मान लेते हो संख्या x है उसका 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, 63 कम है बच्चों या उस संख्या के 3/4 से बच्चों हो गया, सॉल्व कर लेना आंसर, देखिए क्या आता है। यदि किसी संख्या के 3/4 से 63 कम है बच्चों, सही है, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं x×30/100 - 63 बच्चों बराबर गए 3x/4, 3×3 से गया बच्चों 3/10 उधर जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि 3x/10 माइनस में 3x/4 बराबर में 63 बच्चों, सॉल्व कर लीजिए 20 हो जाएगा बच्चों इसका लस, 10×2 20 दो 6x और यहाँ पे 4 यानी 4×5 20 5×3 15 बच्चों 15x, देख लीजिए कैसे आ रहा है, गड़बड़ बच्चों क्या होगा, कम है तो वह संख्या होगी, देख लेते हैं 63 आएगा यानी कि 6 15 और 6 कितना होगा बच्चों 15 और 6
15 यानी कि 9x बटे 20 बच्चों 9 बराबर 63 गुणे 20 कर दीजिए, 7 9 63, 7 2 14 बच्चों 140 आपका राइट आंसर होगा बच्चों, 140 राइट आंसर होगा। इस तरह से इसको लगाते हैं बच्चों, इसको देख लीजिए अच्छा नहीं लगा क्या ऐसे। यदि किसी घन का विकर्ण बच्चों, घन आपको पता है बच्चों घन मतलब कि जिसकी वर्ग से बनता है बच्चों, वर्ग को अगर उठा दिए उसमें हाइट दे दिए तो ये घन बन जाता है, और इसमें 6 फेस होते हैं बच्चों, 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, इसका मतलब पृष्ठी क्षेत्रफल क्या होगा 6a² हो जाएगा बच्चों, 6 फेस है मतलब कि 6a² होगा, और वर्टिसेस आपको पता है बच्चों 2 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गए, है ना, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 है बच्चों, घन का विकर्ण बच्चों विकर्ण की बात करेगा इसमें a a और a यानी कि a² + a² + a² बच्चों रूट भी कर दीजिए, यही विकर्ण है, इसके बराबर 8√3 दिया है बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a² मतलब कि कॉमन करेंगे a आ जाएगा, √3 बराबर 8√3 बच्चों, तो √3 √6 गया यानी a की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, a की वैल्यू जब 8 आ गया तो पृष्ठी क्षेत्रफल पूछ रहा है, निकाल दीजिए 6a² 6 × 8 = 64 बच्चों 38 राइट आंसर होगा, 384 दिया है ऑप्शन में, देखना जरा देख लेना 384 ही दिया होगा, सही है ना। अगला कर लेते हैं, देख लेते हैं बच्चों इसमें और क्या दिया है, और कैसे प्रश्न आए थे, हाँ अंक विन्यास दिया है बच्चों 5 1 5 2 10 15 4 20 में लुप्त संख्या ज्ञात करिए, देखते हैं सीरीज से प्रश्न आ गए हैं, इसमें सीरीज वाले जो प्रश्न आते हैं ना ऐसे प्रश्न आए थे, हम आपको और एक प्रश्न ऐसे करा देते हैं जो आपके UPSI में भी ऐसा एक प्रश्न आया था, जैसे कि एक प्रश्न आया था बच्चों 17 17 का दुगुना 34 34 में 9 जोड़ा था, 34 में 34 6 40 43 बच्चों 43 और यहाँ पे 86 दिया था, 86 और 86 यानी कि 4 86 4 90 90 5 95 बच्चों 95 और यहाँ पूछा था क्या आएगा बच्चों, ऐसे दिया था, देखना बच्चों 17 गुना 2 किया फिर 9 जोड़ दिया फिर 2 किया फिर 9 जोड़ दिया बच्चों, क्या किया 9 जोड़ दिया ना, एक मिनट 9 जोड़ दिया, क्या किया 9 जोड़ दिया, देखिए 9 जोड़ा है फिर से 2 करना है, यही हमारा राइट आंसर होगा, 95 दुना कितना होगा 9 9 80 190 बच्चों 190 राइट आंसर होगा। इस प्रकार के ऐसे प्रश्न आते हैं, इसमें क्या पूछा है अंक विन्यास पूछा है यानी 1 5 2 10 अच्छा प्रश्न है, आसान है बच्चों बहुत आसान है, या तो आप आराम से कर ले जाएंगे 20 यही संख्या बताना, देखना बच्चा 1 × 2 2 5 × 10 10 देखिए 5 इसमें जोड़ा गया तो 10 हुआ, फिर 5 इसमें जोड़ा गया बच्चों तो 15 होगा, फिर 5 इसमें जोड़ा गया तो 20 हो गया, या तो हमारा 2 सीरीज बन रहा है ना, 1 × 2 2 का क्या करेंगे बच्चों 2 का 2 जोड़ेंगे तो 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा फिर से 4 आ जाएगा। देखना ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया है क्या 0, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है 2, ऑप्शन डी दिया है आपको 3 बच्चों। यहाँ पे 3 आएगा बच्चों, 3 आएगा देख लेना, 3 आएगा, 3 राइट आंसर है, 1 2 3 4 एक क्रम चल रहा है तो 3 इसका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न बहुत अच्छा था बच्चों, ए और बी घन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 बचते हैं, तो a² + b² को 6 से विभाजित करने पर क्या बचेगा बच्चों, जो शेषफल बच रहा है 4 और 5 ना, 4 का स्क्वायर कर दीजिए + 5 का स्क्वायर कर दीजिए बटे 6 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 4 × 16 और 5 × 25 25/6 कर दीजिए, 25 और 16 कितना 6 × 5 = 11 25 10 35 35 बच्चों कितना होगा 35 और 25 10 35 35 5 40 1 41 41/6 6 × 36 कर देंगे बच्चों 36 × 4 = 40 5 इसका राइट आंसर होगा बच्चों, 5 से स्कूल बचेंगे, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा बच्चों। पूछा क्या गया है प्रश्न को, हम लिख दें क्या, चलो अच्छा लिख देते हैं प्रश्न को पूरी तरीके से, वैसे घबराना मत, इसका हम PDF देंगे, PDF बिल्कुल देंगे 100% बच्चों, उसको आप डाउनलोड करेंगे है ना। अच्छा प्रश्न था ये भी, देखिएगा यदि ए और बी घन पूर्णांक संख्याओं को घन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर 6 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः बच्चों कितना आते हैं, शेष क्रमशः 4 और 5 आ जाते हैं तो a² + b² बच्चों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग इतने रात तक बच्चों बने हुए हैं, और अच्छा लगता है बच्चों आपका प्यार,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर 6 से विभाजित करें, को 6 से विभाजित करें, 6 से विभाजित करें बच्चों, 6 से विभाजित करें, विभाजित करें तो क्या शेषफल बचेगा, तो शेषफल बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया बच्चों 5, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपको 6, ऑप्शन नंबर डी दिया बच्चों 1 दिया। बच्चों बताया तो हमने, कोई भी संख्या हो ये भी, उससे मेरे को नहीं लेना देना बच्चों, बस 6 से विभाजित किया गया, यहाँ तक के बाद आपको पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पढ़ना है क्रमशः 4 और 5 शेषफल बचते हैं। ये नंबर सिस्टम का है सवाल है बच्चों, आप नंबर सिस्टम को मतलब समझ सकते हैं बच्चों, संख्या पद्धति हमने करा रखा है, सारे प्रश्न ऐसे करा रखे हैं। कितना शेषफल बचता है, 4 और 5 बचते हैं, तो 4 और 5, ए में 4 बचता है, बी में 5 बचता है, तो मतलब 4 का स्क्वायर ए होगा प्लस 5 का स्क्वायर बच्चों बी होगा, 4 चौके 16 प्लस 5 पचे 25, 25 और 10 35 बच्चों। अब 41 को 6 से भाग करने के लिए बोला है ना, तो 6 से भाग लगा दीजिए बच्चों, काट देंगे तो 5 शेषफल बचेगा, 5 एक मिनट 5 6 36 4 5 बच्चों चलिएगा। देखिए बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न होते हैं, घबराने वाली बात नहीं, आराम से करते हैं बच्चों। जिंदगी में सारी चीज़ें तो सही बच्चों, मेहनत भी सही है, अपनी जगह सही है, सब कुछ सही है, लेकिन उसका एक एक समय फिक्स हो जाता है, तो बच्चों को कितना लाभ मिलेगा उसका। यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में ये भगवान क्षेत्रफल में 10 + 10 बच्चों प्लस 10 × 10/100 बच्चों, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका, 10 × 10 = 20, 20 + 1 बच्चों 21% कह दिया है राइट आंसर आपका, 21% होगा। देखिए प्रश्न लिख देते हैं, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बच्चों राइटिंग में नहीं जाना है, हम बता दिए हमारा राइटिंग उर्दू फारसी सब है। 10% दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया बच्चों 21%, ऑप्शन नंबर सी दिया है 44%, या ससुरा 44 का खरीद दे दिया, ऑप्शन नंबर डी दिया बच्चों 100%। बच्चों 100% और 44% पहले काट दीजिए। 10% की वृद्धि हो रही है बच्चों भुजा में, क्या है बच्चों भुजा है, वर्ग है, वर्ग की भुजा में वृद्धि हो रही है, पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि। क्षेत्रफल का मतलब बच्चों वर्ग का मतलब क्या होता है, मीटर एक यूनिट, और क्षेत्रफल का मतलब होता है मीटर स्क्वायर पे सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब दो यूनिट होता है बच्चों। तो इसको हम एक फार्मूला बताए थे आपको, अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पढ़ लीजिए। इसको काट देंगे इससे बच्चों 10 + 10 = 20, 20 + 1 बच्चों 21% आपका राइट आंसर होगा। यह सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे प्रश्नों पे सोचना नहीं है, विचारना नहीं है, मंत्र नहीं फूकना है उस पर ना, आराम से करके निकल जाना। मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 दिया बच्चों। मोहन का 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की, 5 वर्ष पहले, यह पहले का है बच्चों, पहले का है, पहले का मोहन का 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, बाद का बच्चों, ये बाद का है, बाद की उम्र का गुणनफल बताना है बच्चों। 9 वर्ष 5 वर्ष पहले तो प्रेजेंट में कितना एज होगा, प्रेजेंट में अगर बात करें वर्तमान, वर्तमान एज बताना, वर्तमान एज की बात करेंगे बच्चों तो 5 वर्ष जो पहले है, 5 वर्ष जो पहले अगर वर्तमान हम यक्ष मान लेते हैं बच्चों, यक्ष मान लेते हैं, बाय द वे यक्ष मान लिया गया, वर्तमान उसका यक्ष है, तो यक्ष माइनस 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद बच्चों, 9 वर्ष बाद का, बाद यानी यक्ष प्लस 9 बच्चों, दोनों का गुणनफल दिया हमें कितना 15 दिया। तो मोहन की वर्तमान आयु बतानी बच्चों, बता सकते हो, आराम से बता सकते हो, देखना इसको ऑप्शन में रख दीजिए। क्या क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया है 5, ऑप्शन नंबर सी दिया है 7, ऑप्शन नंबर डी दिया बच्चों 6। कुछ नहीं करना है, इसको हम सोल्यूशन नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करना है हमको, वहाँ पे सॉल्व नहीं करना बच्चों। देख लीजिए, रख कर देख लीजिए कौन सा यह वेरीफाई कर रहा है, कौन सा यह मतलब एक तरह से 15 ला रहा है। 4 रखिए, 4 - 5 बच्चों, -1 आएगा, क्या आएगा 4 - 9 नहीं आएगा बच्चों, 4 इसका ऑप्शन नहीं होगा। 5 देखते हैं, 5 - 5 = 0 हो गया, यह भी नहीं होगा बच्चों। 7 + 7 = 5 = 2 और 9 + 1 = 9 और 1 = 10 + 10 = 15 बच्चों, 15 + 30 मतलब बच्चों यह भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 - 5 बच्चों 1 आ गया और 6 + 9 बच्चों कितना आ गया 15 आ गया, मतलब इसका राइट आंसर बच्चों 6 होगा। ऐसे करते हैं प्रश्नों को, ऐसे करते हैं बच्चों जिस तरह हमने बताया आपको बच्चों। लास्ट पड़ाव पे चल रहे हैं। यदि 1 अप्रैल है, मान लेते हैं बच्चों घड़ी पे और टाइम पर बच्चों, एक वीडियो हमने दिया है बच्चों, घड़ी पर नहीं मतलब कि टाइम जो आप निकाल रहे हो घड़ी पर, सॉरी
इस क्या बोलते हैं डेट कैसे निकालते हैं, कैसे दिन निकालते हैं बच्चों, इस पर हमने एक वीडियो 2 घंटे का लगाया है मैराथन बच्चों। किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ आप, फोड़ गया होगे बच्चों, चाहे एसएससी लेवल हो, चाहे जूनियर लेवल हो, चाहे सुपर टेट लेवल हो बच्चों, कोई भी एग्जाम हो, मैथ के ही लेक्चर में पढ़ा है, आप आ जाएंगे प्रेरिस्ट में बच्चों, हर चीज़ आपको मिल जाएगा, बेसिक क्लासेस सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के धुआं मचा दोगे बच्चों, धुआं मचा दोगे। देखना कल से स्टार्ट करने वाले हैं संस्कृत और आपका सीडीपी, और प्लस बच्चों का जो फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड वाले हैं, सेकंड सेमेस्टर डीएलएड वाले, उनका मैथ स्टार्ट करेंगे। सबको इन्फॉर्मेट कर दीजिए बच्चों, आप शेयर कर दो वीडियो को। यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार है बच्चों, यह अधिवर्ष है, आज से 3 वर्ष पश्चात बच्चों, आराम से बता सकते हो इसको। और अगला प्रश्न देखना जो आसान है, मतलब जो और आसान है उसे छोड़ के चलते हैं आगे। दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोणों का अंतर बताइए बच्चों। पूरक और संपूरक बताए थे बच्चे कि नहीं बताए थे? पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं? पूरक और संपूरक में एक मतलब आप अगर भूल जाते भी हो ना, कौन 180 है, कौन 90 है बच्चों, यही तो पूछा है, दोनों का अंतर पूछा है, तो 180 माइनस 90 कर देना बच्चों, 90 आपका राइट आंसर होगा, 90, इसमें ऑप्शन 90 जो दिया वो सही है। कितने समय में 16.3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 गुना हो जाएगा बच्चों? अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है बच्चों, देखना बच्चों ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं बच्चों। समय जो दिया है हमको, कितने समय में, टी पूछा है बच्चों, टी पूछा है, दर जो रेट दिया है बच्चों कितना दिया है, 16.3 दिया है, 16.3% दिया है, या रेट पूछा हुआ है हमसे, हम यक्स ले लेते हैं इसे, सॉरी टाइम पूछा है ना, और दर साधारण ब्याज, ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मूलधन, साधारण ब्याज मतलब बच्चों SI और मूलधन मतलब बच्चों P, इन दोनों का अनुपात दिया हमें 5/6 बच्चों, 5/6 दिया है, तो दोनों का पूछ रहा है कितना हो जाएगा, समय पूछा है बच्चों, आराम से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वाई भी मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे वाई माई मान लेते हैं तो कोई मतलब नहीं है, फिर से कट जाएंगे, यानी कि जो हमारा SI होगा 5 होगा और जो P होगा बच्चों 6 होगा, कितना होगा 6 होगा, आराम से फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चों। इसका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, आराम से कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक लगाने से क्या फ़ायदा, जब हमें चीज़ें अगर आसानी से मिल जाती हैं पुट करने से, शॉर्ट ट्रिक लगा कर माथा पच्ची क्यों करें हम अपना, 100 बराबर SI बच्चों, SI। पी की वैल्यू कितनी बच्चों, 6 है। आर की वैल्यू कितनी बच्चों, 16.3, 16 से 32 48 जो 50 बच्चों, 50 100 मतलब 1/6 बच्चों, कितना होगा 1/6 नीचे कर दीजिए, आर की वैल्यू होगी, देख लेना फिर से, 16 3 48 16 16 32 16 16 32 16 3 कितना होगा बच्चों, 3 6 18 8 3 1 3 1 4 48 50 50 50 50 3 × 100 बच्चों, 1/6 आ जाएगा, देख लेना। आर की वैल्यू हो गई, अब टी की वैल्यू हमको निकालनी है बच्चों, टी की वैल्यू निकालनी है, 100 नीचे कर दीजिए, बराबर SI की वैल्यू कितनी है, 5 है, कर लीजिए बच्चों, हो गया 6 से गया, टी की वैल्यू कितना आ गया, इतना ज़्यादा आ गया, हे प्रभु क्या कर दिए हम। अच्छा देख लेते हैं फिर से एक बार बच्चों, अच्छा 100 तो हम तो काट ही दिए थे, 100 काट दिए थे, 100 तो रहेगा ही नहीं बच्चों, 100 तो हमने काटे ही दिया था वहाँ पर ना, देखना 100 तो वहाँ पर काटे ही दिया था हमने, 100 वहाँ पर लगा दिया था बच्चों, तो 100 खत्म हो गया, यानी टी की वैल्यू 5 आएगा, टी की वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर दिया है 5 बच्चों, हाँ दिया है। इस तरह के बच्चों प्रश्न थे आपके, सारे के सारे प्रश्न हमने ले लिए। अच्छा कुछ बचा है क्या, ऐसे ही प्रश्न थे बच्चों, बस यही था। अब बस बच्चों अपनी जो सरकार है, कल हम इसका पूरा पूर्ण रूप से पूरा जितने भी सेक्शन है सब करा देंगे PDF के रूप में बच्चों, आप देख लेंगे ना, सारा सेट करेंगे आज रात में, और आज रात मतलब कि सुबह तक 10 बजे तक आ जाएगा, और कल मैराथन भी आएगा DLED वालों का मैथ का, ठीक है, और प्लस 12 बजे तक मैराथन आएगा DLED वालों का। और बच्चों जो और बच्चे हैं बाकी के जो सीटेट देने वाले हैं उनके लिए CDP हम फिर से शुरू से स्टार्ट करेंगे बच्चों, बोर्ड पे पढ़ाएंगे CDP और संस्कृत, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, संस्कृत नहीं CDP पढ़ाएंगे, प्लस आपका ज्योग्राफी सेक्शन बच्चों, ज्योग्राफी मैथ्स जो कंटिन्यू था उसको स्टार्ट कर देंगे ना, 3 सब्जेक्ट चलेगा आपका डेली, अब 3 सब्जेक्ट कोई भी रैंडमली चलाएंगे, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन पॉलिटी, एक दिन बच्चों आपका इतिहास, ये रैंडमली तीनों चलेगा, और बाकी के सेक्शन जैसे चलते हैं वैसे चलेंगे, और संडे वगैरह को टेस्ट भी, हमने टेस्ट 3 लाया है, 4-5 लाया है बच्चों, उसको कराएंगे आपको, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो शेयर करिए बच्चों दबाकर, और इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, निगेटिव पॉइंट बच्चों हमें नहीं रहना, निगेटिव चीज़ जो हो रहे हैं वो नहीं रही बच्चों, सबके साथ हो रहा है, हमारी सरकार निकम्मी है बच्चों, कहा जा सकता है, जो ऐसे परिणाम नज़र आते हैं, ऐसे परिणाम हमको हमारे पास मिल रहे हैं बच्चों, इससे पता चल सकता है कि हमारी सरकार किस प्रकार है बच्चों। अब आप अपने भविष्य खुद तय करेंगे बच्चों, चुनाव है सर पे, अब आप खुद चुनिएगा अपना नेता बच्चों, अपना नेता कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बच्चों बताना जरा, कैसा होना चाहिए अपना नेता बच्चों। ये जो दुल्हन वाला है ना, दुल्हन अभी जो हमको कॉल करी थी दुल्हन बच्चों, वो गजब की बात कर रही थी बच्चों, मज़ा आ गया था मुझे तो, एक बार उसे जरूर शेयर कर देना बच्चों, है ना। धन्यवाद बच्चों, अगर कोई भी गलती हुई हो, मुझे भूल चुका हो, माफ़ करिएगा, और सारे लेक्चर जो आपको दिए गए मतलब सुबह बच्चों जो आया था वायरल वाला, जो हमने रिव्यू लिया है सेंटर पर जाके बच्चों का हालत देखकर, आप खुद उसे शेयर करना बच्चों प्लीज़।
आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप भी उनमें से हैं बच्चों, तो उसे शेयर करना, वायरल करा देना बच्चों। आपसे ही विनम्र विनम्र विनती है बच्चों, इस पूरे चैनल का मालिक आप हो बच्चों, हम तो सिर्फ सर्वेंट हैं जो आपके लिए काम करते हैं बच्चों, है ना। धन्यवाद।